बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों ने देख ली है और गरारा भी देख लिया है जो रेडी होने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये जो गरारा मैंने बनाया, ये 5 मीटर फैब्रिक पे बनाया है और इसे कुछ लोग जो है वो लिफाफे वाला गरारा भी कहते हैं और कुछ जो है वो थैले वाला गरारा भी कहते हैं और कुछ इसे फर्शी गरारा भी कहते हैं। तो क्योंकि ये फ्लोर के साथ टच करता है, नीचे ज़मीन तक होता है, तो इसलिए इसको इस तरह से भी कहा जाता है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको लेंथ की गाइडनेस दे दूँ कि मुझे ये 44 लेंथ पर चाहिए, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, ऊपर का पार्ट अलग होता है और नीचे का अलग। तो ऊपर का जो है वो मैंने 21 लेंथ पर बनाना है और नीचे का जो है वो 23 लेंथ पर बनाना है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस 5 मीटर के फैब्रिक को हमें किस तरह से कटिंग करना है। तो सबसे पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने ये देखा है, मेरे पास जो है वो ज़्यादातर जो लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। और जो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा वॉच नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग को अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, और अगर कमेंट दे देंगे तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपको इसको बताती हूँ। सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट है इसका, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं वो निकालूँगी, उसके बाद जितना भी हमारे पास फैब्रिक बचेगा उसका हम थैला बनाएंगे और कटिंग करेंगे, मतलब या एनवलप की तरह बनाएंगे, लिफाफा बनाएंगे। तो देखें, मैं सबसे पहले 21 इंच पर जो मुझे ऊपर का पार्ट की कटिंग करनी है उसकी मैंने लेंथ ले ली है। मैंने 2 इंच इसको फोल्ड कर दिया है नेफे के लिए, ठीक है, ये देखें मैंने फोल्ड करके रखा है इसके नेफे के लिए। और अब मैं यहाँ से 21 इंच मुझे लेना है तो 1/2 इंच में बढ़ा कर लूँगी, 21.5 लूँगी, ठीक है। 0.5 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सिलाई में इतना कपड़ा दबता है, अगर आप बहुत ज़्यादा दबाते हैं तो आप 1 इंच बढ़ा लें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं दबाती हूँ, 1/2 इंच तक ही दबाती हूँ अंदर कपड़ा, तो मैं 1/2 इंच ही इसको बढ़ा कर ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से जो है ना वो मुझे कम से कम 18 चाहिए था, 17-18 इस तरह से, मतलब मैं इसका जो है ना वो जो घुटने के पास से गहराई है, चौड़ाई है, वो लूँगी। तो अब ये कम पड़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, हम इस पर जोर लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कपड़ा है वो है मर्दाना कपड़ा जो होता है वॉशिंग वेयर, वो है, तो इसका अर्ज इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, इस पर लगेगा जोर। अब मैं इसके साइड पर जो है ना वो जोर के लिए अलग से कपड़ा ज्वाइन करूँगी, ये देखिए, ये उसी 5 मीटर कपड़े में से मैं ले रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है इसका अर्ज इतना ज़्यादा नहीं था, तो हम यहीं से जो है ना वो जोर के लिए इसका अलग से फैब्रिक अटैच करने के लिए रख लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से 18 इंच तक, ठीक है, ये देखिए, इतना कम से कम जो है ना मुझे इस पर जोड़ डालना है, तो इतना जो है मैंने इसको 4 लेयर्स पर इसका जोड़ का कपड़ा निकाल लिया है और ये मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी बाद में, लेकिन अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से कम 17-18 इस तरह के इंचेस पर मुझे चाहिए। तो ये देखिए, मेरा कैमरा सही नहीं फोकस कर रहा था, तो अब मैं देखिए 17 ले रही हूँ, 18 नहीं ले रही, बस 17 इनफ है। और यहाँ से जो है वो तकरीबन 16 या 16.5, मतलब 16.5 का जो हम आसन है वो बनाते हैं। नेफा मैंने ऊपर से 2 इंच का मोड़ लिया था और ये देखिए 16 पर मैंने इसको मार्क कर लिया। यहाँ पर यहाँ तक मुझे इसका आसन लेना है और यहाँ से 17 तक मैं इसका जो घुटने की चौड़ाई है वो ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ से अब हम इसकी गोलाई से हल्की सी गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसका जो एक पार्ट है वो इस तरह से कटिंग हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये इसका जो ऊपर का पार्ट है वो हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से ये देखिए थोड़ी सी गोलाई की शेप देकर मैंने इसको सेट कर लिया है, ठीक है। इस तरह की शेप देने से पहनने में जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होती, फिटिंग अच्छी आती है, टेंशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा घेरा घेरा सा नहीं लगता है और अच्छा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये देखिए, इन सबको मैं अलहदा कर रही हूँ क्योंकि ये यहाँ से जुड़े हुए थे, मैंने अलहदा कर लिया, ये अब मैं इसके साथ रख रही हूँ। इसको ज्वाइन करके मैं ये ऊपर का जो पार्ट है वो तैयार कर लूँगी,
और उसके बाद अब मैं आपको नीचे के पार्ट का बताऊंगी कि वो किस तरह से कटिंग होता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने फोल्ड कर कर अलग से रख लिया। अब आ जाती है सेकेंड पार्ट की बारी। तो ये देखें, अब ये जितना भी मेरा फैब्रिक था ना, इसको मैंने खोल लिया है, पूरा खोल लें आप इसको। और बचपन में कभी जहाज़ तो बनाया होगा, है ना भाई? तो जिस तरह हम लोग जहाज़ की शेप बनाते हैं ना, ऊपर से जो वी की तरह बनाते हैं, हमें वही करना है, ठीक है। तो ये रहा कपड़ा, और ये हमारे पास है 27 इंच इसकी ये चौड़ाई है। अब मैं इसको जो यहाँ से ये जो मेरा सेंटर है ना, ये देखिए, ये सेंटर, इसकी चौड़ाई इसकी डबल है, ठीक है। ये जो है पूरा इस तरह से दूसरी तरफ भी मैं इसको कट लगा दूँगी सेंटर पर, ये हमारे सेंटर की निशानी है, ठीक है। तो ये देखिए, दोनों तरफ मैंने इसको कट लगा लिया है। अब मैं इसको खोल दूँगी, ये देखिए मैंने खोल लिया, और ये इसका यहाँ से ये सेंटर आ गया। अब जैसे हम लोग बचपन में जो जहाज़ उड़ाने के लिए पेपर से जहाज़ बनाते थे ना, उस तरह से इसका ये शेप देना है। ये देखिए, इस तरह से भी बनाना है। तो ये कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगी। इसको बनाने के लिए दोनों पार्ट्स को हमें इस तरह से मिलाना है और सीधा सीधा सी लेना है, सिलाई लग जाएगी, ठीक है। उल्टा सीधा ज़रूर देख लीजिएगा, ये सीधा है इसका। तो इसको इस तरह से मिलाकर और यहाँ से इसको स्टिच कर लेना है, यहाँ से स्टिच कर लेना है, ठीक है। दोनों तरफ से इस कपड़े के इस साइड से भी इसको यहाँ पर स्टिच करना है, और फिर इसी तरह से बिल्कुल सीधा सीधा फोल्डिंग देते हुए ही जो कपड़े का जो दूसरा पार्ट है दूसरी तरफ, वहाँ से भी इसको इसी तरह से स्टिच कर लेना है, ठीक है। मतलब कपड़े को फोल्ड कर कर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें, मैंने इसको यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब जब मैं इसको खोलूँगी ना, तो ये खुद ट्राइंगल की शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए, दूसरा जो पार्ट है वहाँ से भी मैंने इसको इस तरह से सी लिया। ये देखें, दोनों तरफ से, जहाँ मैंने सेंटर कट भी लगाया था क्योंकि वहाँ तक मुझे जोड़ना था, तो ये मैंने सेंटर कट भी लगा लिया था। अब ये देखें, जब मैं इसको खोलूँगी ना, जो स्टिच हुआ वही ये रहा। इसको जब मैंने खोला है तो ये देखें, खुद ही खुद जो है ना, वो ये वाली शेप आ जाएगी इसकी। मैं आपको इसको ज़मीन पर बिछा कर भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाऊँगी। ये मैं डाइनिंग पर कट कर रही थी, तो इतना ज़्यादा स्पेस मुझे नहीं मिला था। मैं आपको ये बिल्कुल नीचे भी बिछा कर भी दिखाऊंगी, थोड़ा सा समझा दूँ। वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें, कंप्लीट देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या किया हुआ है। तो ये देखिए, ये वाली शेप बन गई इसकी। अब हम इसको जो है वो एनवलप की शेप देंगे, वो किस तरह से देंगे वो आप देखें। तो ये जो है, ये सेंटर रखा है मैंने इसका, और फिर किसी भी एक साइड से जो है ना, वो ये देखिए जो इसका एक कॉर्नर आ रहा है ना, यहाँ से ले लें या दूसरी साइड से ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये जो कॉर्नर यहाँ पर आकर एंड हो रहा है ना, यहीं पर से हम इस कपड़े को फोल्डिंग देंगे। इस देखिए, इस तरह से, बस यहीं से हमने इसको फोल्डिंग की तरह से इस तरह देना है, और फिर पकड़ कर इसको भी पूरा स्टिच कर लेना है। ये देखिए, मैं आपको पेपर पर बताती हूँ, इस तरह से हमने ये स्टिच किया, यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी। ये देखिए, यहाँ पर स्टिच लगानी है और यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरह से मैंने कपड़े को दोनों तरफ स्टिच लगाई है। जब ये जुड़ गया, तो फिर जुड़ने के बाद ये इस तरह से हो गया है, ये इस तरह से हो गया है, ठीक है। अब ये जो थर्ड इसका है स्टेप, वो ये है कि इस कपड़े को यहाँ से, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, आपकी मर्ज़ी है, वो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना, जो भी मैंने कपड़े को किया हुआ है। देखिए, अब ये मैं स्टिच करती हुई आऊँगी, और ये दूसरे तरफ आकर पूरा ये बंद हो जाएगा, एक थैली की तरह बन जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से जोड़ना है। मैं आपको ये सारा जोड़ कर भी दिखाऊंगी, छोटे से पेपर पर समझा रही हूँ कि शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। यहाँ से भी ये इसी तरह से हो जाएगा, और ये सारा आपस में जोड़ जाएगा, एक बंद होकर पूरा थैले टाइप बन जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से रखना है। तो चले, हम देखते हैं कि कपड़े पर किस तरह से मैं इसको जोड़ कर, और फिर मैं आपको इसको फ्लोर पर, फर्श पे जो है बिछा कर भी दिखाऊंगी सारा। इसको मैं इस तरह से पकड़ कर पूरा स्टिच करती हूँ। आप जब स्टिच स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एंड कहाँ पर हो रहा है। ये देखिए, इस तरह से करते करते ये जॉइंट यहाँ आ रहा है, इस तरह करते 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 ये पूरा जो है ना, वो इस तरह से जॉइंट होता होता दूसरे कोने तक बंद हो जाएगा।
आई नो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझाना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर हम आधा अधूरा समझाते हैं ना तो फिर समझने वाले समझते तो नहीं, उल्टा हमें बुरा भला ही कहते होंगे कि देखें वीडियो सही से नहीं बनाते, समझाते नहीं हैं। तो मुझे पता है कि मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा अभी अच्छी नहीं बनती, प्रॉपर नहीं बनती है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही जाता होगा। ये देखिए यहाँ पर ला कर ये बिल्कुल जो है यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब कि मैं आपको पूरा जो है वो स्टिच कर कर दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया था और अब ये मैंने फर्श पे बिछाया है। अब बिछाने के बाद आप इसका लुक देखें किस तरह से आ रहा है, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा है, कोई बैलेंस नहीं बन रहा है इसका, कुछ नहीं बनेगा, ये बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेनी। अब इसको इस तरफ से हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से भी इसको कटिंग कर लीजिएगा और इस एनवलप को यहाँ से भी कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। कट लगा कर इनको हम यहाँ से खोल लेते हैं। जब हम इनको खोलेंगे ना, ये देखिए मैंने कट लगा लिया, जब इनको खोलेंगे तो आप इसको जब सीधा करोगे ना, ये खुद ही खुद फिर सीधा हो जाएगा, आराम से सीधा हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल सीधा हो गया और इस गरारे में जोड़ इसी तरह से आते हैं, ठीक है, मस्त है कि जोड़ आएंगे। अगर कोई कहता है कि जोड़ नहीं आते तो वो गलत कह रहा है, इस थैले वाले में या जिसको भी आप जो भी गरारा बोलें इसमें जोड़ आता है, लाजमी है ये, ठीक है। अब यहाँ से जो है मैं ऊपर से यहाँ पर इसकी जितनी मुझे लेंथ चाहिए ना उतना मेजरमेंट लेकर, मुझे 23 इंच की लेंथ चाहिए थी, मैं इसको 23 इंच से 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए बढ़ाऊँगी, 1 से 1.5 इंच बढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं इस पर करूँगी पूरी तुरपाई, क्योंकि इस पर तुरपाई ही होती है, ठीक है। ये देखिए मैंने निकाल लिया, यहाँ से मैंने काट लिया अलग से, और उसके बाद यहाँ से मैंने कम से कम 24 और 0.5 जो मुझे स्टिच का लेना है वो लेकर मैंने इसको यहाँ से कटिंग कर दिया, ठीक है। नीचे वाले घेरे की जो भी लेंथ आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लें, 1 से 1.5 इंच बढ़ा के कटिंग कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसका शेप बनेगा, एक पार्ट ये है जिसकी हमने 21 इंच लेंथ ली थी, और ये है इसका घेरा जो घुटने के पास था 17 इंच, और ये हमारे देखिए नीचे का घेरा कितना प्यारा बना है, और ये लेंथ जो है वो हमने ली थी 23 इंच, ठीक है। इसका फाइनल लुक जो ये वॉच इसमें आपको बता दी है कि बस अब ये इस तरह से जुड़ेगा सारा का सारा और फिर गरारा रेडी हो जाएगा। मैं आपको इसको तैयार होने के बाद इसका लुक दिखा दूँगी। देखें इसके लास्टिक के पास से मैंने ये डोरी बनाकर भी डाल ली है, इसलिए कि ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो ये एक आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है कि जब भी आप गरारा बनाएं या बनवाएं, किसी से भी बनवाएं, तो आप उसमें इस तरह से डोरी ज़रूर डाल लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।